ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली, मे भी शायद 1.5-2 मिनट के, बस इससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि कल मैं गया था एक ओपन माइक अटेंड करने। मैंने अपना 3rd इवेंट अपना अटेंड किया था, और उस इवेंट में जाने के मेरे पास सिर्फ 2 रीजन थे। फर्स्ट, ये रीजन सबसे बड़ा था क्योंकि गरिमा वहाँ परफॉर्म करने वाली थी, मेन मैं उसकी वजह से गया था। एंड द सेकेंड थिंग कि मुझे वहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी थी, जो कि आगे आने वाली कुछ चीजें हैं जिनके लिए मुझे काम करना है। तो दैट्स व्हाई उस चीज के लिए मुझे बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करनी थी। आप मतलब मैनेजमेंट से लेके वहाँ पे क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे कैसे काम होता है, वो सभी चीजें मुझे ऑब्जर्व करनी। एंड जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ, लेटर ऑन मैं बहुत जल्दी उस चीज की अनाउंसमेंट करूंगा, मे भी आगे आने वाले 1-2 वीडियो में वो चीज मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है गाइस, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं 2K सब्सक्राइबर के बहुत बहुत करीब हूँ, तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। एंड अब आते हैं इस वीडियो पे। तो इस वीडियो का जो मेन फोकस था, जो मैं जिस ओपन माइक कम्युनिटी में गया था, तो मैंने वहाँ बहुत सारी चीज ऑब्जर्व की, जैसे वेराइटी ऑफ आर्टिस्ट, किस किस तरह के आर्टिस्ट होते हैं। कुछ स्टोरी टेलिंग करते हैं, कुछ पोएट्री करते हैं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, कुछ शायरी करते हैं, कुछ गजल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट रहते हैं, और सबका अपना एक एक अलग जॉनरा होता है। एंड यस, हम जिस ओपन माइक कम्युनिटी में गए थे वो थी पोएम एंड कहानियां, जो कि काफी बड़ी ओपन माइक कम्युनिटी है। जगह जगह पे सिटी वाइज अपने अपने प्रोग्राम कराती है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके नहीं बोलूंगा, फिर आप लोग जाके यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मेन वहाँ का जो मैंने मुझे काम देखना था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जिस काम को मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, मतलब काफी पॉजिटिव वर्क है मेरे लिए, तो आगे आपको मैं बता दूंगा। उस चीज का आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे वो चीज आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। तो मेन बात आती है, जिस कम्युनिटी में हम जाते हैं तो वहाँ की महफिल देखने लायक होती है, जो हम चीज वहाँ फील करते हैं, लोगों के इमोशन। तो लोग मतलब कई लोग तो अपने अपनी लाइफ से रिलेटेड बोलते हैं कि किस किस चीज़ से उन्होंने सफर किया है, क्या लाइफ में ज्यादा तो दिल टूटे आंसू की होते हैं भाई। अलग अलग टाइप की मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं, किसी का टूट गया, किसी का बिखर गया, कोई कुछ, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती सीरियसली। लेकिन जोन रही है शायरी का मेन मोटिव है, लोग किससे रिलेट करके किसी चीज को कंपेयर करके बोलते हैं, तो वो चीज वहाँ पे हाँ समझ में आती है थोड़ी मोटी, पर बहुत ज्यादा मैं रिलेट नहीं करता। इतना भी था एवरीथिंग। दोबारा मैं अपना कैमरा ऑन करने वाला ना 5-6 सेकंड रुकता हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा बंद रहता है। ओके, तो जो था बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया। कारगर की गरिमा जी ने बहुत सही किया, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है, वॉज टू गुड। चलो ओके सर, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज्यादा जरूरत है। बस समझ जाओ मैं अपने पापा जी के फोन से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फोन वीडियो बनाने लायक रह नहीं गया है। तो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ जाता हूँ आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के साथ।